दोस्तों, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हर की पौड़ी का आज का ताज़ा दृश्य, ताज़ा नज़ारा, ताज़ा तस्वीर के साथ आप माँ गंगा के दर्शन करें। और आप देख सकते हैं गंगा जल छोड़ दिया गया है, वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था। और आज आप देख सकते हैं 5 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार, और काफ़ी सारे श्रद्धालु तीर्थ यात्री पहुँचे हुए हैं माँ गंगा में स्नान करने के लिए। ये देखिए आप, तो आपको ले चलते हैं आगे। और आप देख सकते हैं इस तरफ का दृश्य, तो काफ़ी सारे श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ले चलते हैं आगे। और ये देखिए, काफ़ी सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, जिन श्रद्धालुओं ने माँ गंगा में स्नान कर लिया है वो अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। ये देखिए आप, तो आपको ले चलते हैं आगे। और ये देख सकते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं पुल पर, और पुल पे से आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत दृश्य है। ये देखिए आप, श्रद्धालु माँ गंगा में स्नान कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूँ जल साफ है। ये देखिए आप, जल साफ है और जल ठंडा है काफ़ी। ये देखिए आप, और दूसरी तरफ भी जल छोड़ दिया गया है। ये देखिए, और आज देखिए आप, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। तो आपको ले चलते हैं ब्रह्मकुंड की तरफ, और दिखाते हैं आपको नाई घाट का दृश्य। और आप इस तरफ से भी माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए आप, जल एकदम साफ और स्वच्छ है, और माँ गंगा की बहती हुई निर्मल धारा आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, और काफ़ी सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। इस तरफ ज़्यादा भीड़ है, तो आपको ले चलता हूँ मैं आगे, और दिखाता हूँ मैं आपको ब्रह्मकुंड का दृश्य। और ये देख सकते हैं महिला घाट का दृश्य, और काफ़ी सारे बच्चे घोड़े सब स्नान कर रहे हैं। और मैं आपको ले चलता हूँ ब्रह्मकुंड की तरफ। तो दोस्तों, अगर आप आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, हरिद्वार आने में कोई पाबंदी नहीं है, सब कुछ खुल चुका है, ई पास की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने सबको छूट दे दी है, आप हर कोई आ सकता है। जितनी भी पाबंदी लगी हुई थी सारी पाबंदी खत्म कर दी गई है। तो यह है आज का दृश्य, और दिखाता हूँ मैं ब्रह्मकुंड का। और यह है ब्रह्मकुंड का दृश्य, आप देख सकते हैं जल यहाँ पे कम है, इस तरफ जल ज़्यादा है, आप देख सकते हैं घुटने तक का जल है। और बाकी आप सामने रेत देख सकते हैं, रेत आपको दिखाई दे रही है, तो उस तरफ जल कम है। और दोस्तों, यह है नाई घाट का दृश्य, तो आप देखिए जल की काफ़ी मात्रा है, और जल एकदम साफ है, देख सकते हैं आप, देखिए। और अगर आप हरिद्वार की यात्रा पे आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी पाबंदी लगी हुई थी कोविड कर्फ्यू की, वो सारी हटा दी गई है, अब आप आ सकते हैं, कोई ई पास की ज़रूरत नहीं है, अब आप आ सकते हैं, हर कोई आ सकता है माँ गंगा में स्नान करने के लिए। अब उत्तराखंड आप घूम सकते हैं कहीं भी।
तो दोस्तों ये है आज का हर के पौड़ी का दृश्य है, देख सकते हैं आप। और काफ़ी संख्या में आज भी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और मैं आपको इस तरफ दिखाता हूं, और इस देखिए आप। तो दोस्तों अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो आप अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके आए, क्योंकि सुबह शाम ठंड काफ़ी है। और दिन का आप देख ही सकते हैं मौसम साफ है, धूप लगी हुई है, और काफ़ी सारे श्रद्धालुओं ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, बाकी कुछ तो ऐसे ही घूम रहे हैं। क्योंकि धूप लगती है दिन में तो थोड़ा गर्मी होती है, बाकी सुबह और शाम को काफ़ी ठंड है। और आपको ले चलता हूँ मैं संजय पुल पर, और ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको एक दृश्य। और ये देखिए दोस्तों आप, संजय पुल पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, और मार्केट की तरफ काफ़ी भीड़ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप। बस ब्रह्मकुंड की तरफ जल कम है, बाकी आप स्नान कर सकते हैं। ये देखिए आप, और आज काफ़ी भीड़ है। तो दोस्तों मैंने बता दिया है, अगर आप हरिद्वार की यात्रा पे आ रहे हैं तो आप बेफिक्र होके आए, क्योंकि अब बॉर्डर पर कोई चेकिंग नहीं हो रही है, सब कुछ पाबंदी, जितनी पाबंदी लगी हुई थी सारी पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। तो ये है आज का ताज़ा दृश्य, ताज़ा तस्वीर। और आपको दिखाता हूँ मैं इस तरफ से भी, काफ़ी सारे श्रद्धालु आ रहे हैं पुल के रास्ते, आप देख सकते हैं, देखिए। और मैं दिखाता हूँ आपको इस तरफ से नाई घाट का दृश्य, देखिए आप। तो आपको ले चलते हैं मार्केट की तरफ, दिखाता हूँ मैं आपको मार्केट का दृश्य। तो इस तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, मार देगा उसका एग्जाम क्या होगा। तो दोस्तों यह है मार्केट का दृश्य, देखिए आप। अगर आप रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से हर की पौड़ी आना चाहते हैं तो आप रिक्शा ले लें, आप ये वाला रिक्शा ले लें आप, क्योंकि ये यहीं पे तक आपको छोड़ेगा हर की पौड़ी तक, और यहाँ से आपको पैदल, ये देखिए आप, मात्र 20 रुपये किराया है। तो आप आए हरिद्वार, वेलकम टू हरिद्वार। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय।